मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे अफेयर नहीं चलाऊंगी। पास्ट को खंगालने का क्या फायदा, तुम फ्यूचर को देखो ना। तुम्हें इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? तुम ही बता दो। मुझे इस तस्वीर में फ्यूचर नजर आ रहा है। दिल पे दस्तक यकुम रमजानुल मुबारक से पीर से इतवार शब 7 बजे। मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। मुकद्दस, पागल तो नहीं हो गई? यकीनन तुम किसी प्रेशर में आकर ये फैसला कर रही हो। ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। मास ठीक कह रहा है बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आबिद से फिलहाल बात नहीं हो पा रही, लेकिन आगा जी मैं ये फैसला प्रेशराइज होकर या किसी परेशानी की वजह से नहीं कर रही। लेकिन मुकद्दस तुम अचानक ये फैसला कैसे कर सकती हो? अरे इसको जानती नहीं हो क्या तुम? इसके साथ खुश नहीं रह सकती तुम? हाय, आपने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। देखो मुकद्दस, मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा। तुम जज्बाती होकर सोच रही हो, प्लीज जरा सोचो तो सही कि क्या करने जा रही हो। मैं जज्बाती नहीं हूं और ना ही मेरा ये फैसला जज्बाती है। मैं अपने पूरे होशो हवास में आर्य से शादी करने के लिए तैयार हूं।
बेटा किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कह देना, अब तुम इसे अपना ही घर समझो। कमरे की बुरी हालत नजर आ रही है, अपनी बेटी का बुरा हाल नहीं देखता? मुझे तो आरेज में ऐसी कोई क्वालिटी नजर नहीं आ रही है जिसकी वजह से तुम पागल हुए जा रही हो उसके पीछे। पहले उसके पास बैंक बैलेंस था, मकान था, बिजनेस शेयर थे, मैं सोच सकती थी तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन अब तो वो बिल्कुल जीरो है। मामा आप लोगों को क्या पैसे से इवैल्यूएट करती हैं? आपकी नजर में फीलिंग की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। बेटा फीलिंग्स की वैल्यू तब होती है जब पास कोई बैंक बैलेंस हो। देखो तुम ये बचपना छोड़ो और अपने दिलो दिमाग से आरेस को निकाल बाहर करो, और जब रोने धोने से फुर्सत मिल जाए तो क्लीन अप दिस मैस राइट नाउ। स्टूपिड। क्या लगा था कि रवायती दुल्हनों की तरह घूंघट डाले आपका इंतजार कर रही होंगी? बहुत एहसान फरामोश हो तुम मेरा शुक्रगुजार होने के बजाय एटीट्यूड दिखा रही हो। अगर आज मैं तुमसे शादी ना करता ना तो दोबारा रुस्वा हो जाती तुम। जब रुस्वा करने वाले रुस्वाई से बचाए ना तो शुक्रिया करने के बजाय उनके जान लेने का दिल जाता है। क्या समझते कि बेवकूफ हूं मैं? इतनी बेवकूफ हूं कि आपकी ये सारी हरकतें समझ नहीं पाऊंगी? कौन सी हरकतें? पागल तो नहीं होगी तुम? जानती हूं मैं सब, जानती हूं कि मुझे आपने किडनैप करवाया था। इल्जाम लगा रही हूं मुझ पर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, उस वक्त मैं घर में था। पर थे ना, क्योंकि कराए के गुंडों से किडनैप करवाया था मुझे।
सारी बातें सुन ली थी मैंने। कह दिया सर जी, फिक्र ना करें, कोई नुकसान नहीं पहुंचता लड़की को। यही तुम्हारे हक में बेहतर है। आप सिर्फ पैसों का बताएं आरिस। Are you mad? उसके सामने मेरा नाम ले रहा है। देखो खदस, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। झूठ मत बोले, मुझसे झूठ मत बोले, क्योंकि मैं सच्चाई से वाकिफ हूं। और मैं ये भी जानती हूं कि अगर इस बार भी मेरी बारात नहीं आई ना, तो आपने कोई गेम खेली होगी। क्या लगता है आपको कि अपनी बेइज्जती और रुसवाई से बचने के लिए आपने शादी के लिए हां बोली है? मिस्टर आरिस, आपने दो बार मेरी इज्जत का तमाशा बनाया है सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए, ये सोचे समझे बगैर कि इसका मेरी लाइफ पे क्या असर होगा। बदला लोगी तुम हो क्या? मैं चाहूं ना तो एक मिनट में तुम्हें और तुम्हारे गरूर को ना मिट्टी में मिला सकता हूं। ऐसा कुछ करने से पहले ना चाह ले लूंगी मैं अपनी। पागल तो नहीं होगी तुम? क्या कर रहे हो? हाँ, पागल हो गई हूं मैं, पागल हो गई हूं। और किसी भी पागल से ना कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बतास दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। आप मुझे ऐसे देखते रहेंगे या फिर रेडी भी होंगे? तुम्हें देखने से दिल भर जाएगा, रेडी भी हो जाऊंगा। अल्लाह ना करे कि आपका दिल कभी भरे मुझे देखने से। बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम, मैं और हमारा प्यार हमेशा बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। इंशाल्लाह। मुकद्दस के बारे में सोच रहे हैं।
बकवास, क्या बात है? हेमंत चाहे तुम्हें बहुत बुरा लगे, लेकिन आरेस किसी भी तरह से मुकद्दस के काबिल नहीं है। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि मुकद्दस ने बेवकूफाना फैसला किया क्यों। जहां तक मैं मुकद्दस को जानती हूँ, वो कोई भी बेवकूफाना एक्ट नहीं कर सकती है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। आप परेशान मत हो, आरेस मेरा भाई है, लेकिन फिर भी मुकद्दस और आरेस अगर एक दूसरे के साथ खुश ना हुए और अगर आरेस ने मुकद्दस को परेशान किया तो मैं चुपचाप उसे यहाँ वापस ले आऊंगी। ठीक ही कहा है बुजुर्गों ने, अगर हम सफर समझदार हो तो जिंदगी की आधी फिक्रें तो वैसे ही खत्म हो जाती। मिस्टर मास, जिंदगी की फिक्रें छोड़ें और चलने की फिक्र करें। डैड और मामा हमारा वेट कर रहे होंगे ना, प्लीज आपने चेंज भी नहीं किया। चल रिलैक्स, रेडी हो रो, ओके? चलें हरी अब। अच्छा हौसला, चलते हैं। वेट हो, रिलैक्स, चल। आरेज, आरेज उठ जाए। आरेज उठ जाए। आरेज उठ जाए। तमीज नहीं है तुम्हें? जब आवाज देने से भी नहीं उठेंगे तो ऐसे ही उठाऊंगी। मैंने कौन सा जॉब पे जाना जो टाइम पे उठूं? तो क्या हुआ, जॉब पे नहीं भी जाना तो उठना तो पड़ेगा। बाहर आगा जी और मास भाई इंतजार करें, नाश्ता लेकर आए। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? उठे, तैयार हूँ और चले मेरे साथ। क्यों, रात को तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, जाओ जाकर बताओ मेरी असलियत। आपको तो अपने घर वालों की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे उनका बहुत ख्याल है। मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से उनको कोई भी तकलीफ पहुंचे। और मेरे साथ जो भी ज्यादती की है ना आपने, उसका हिसाब मैं सिर्फ आपसे दूंगी। इसने फैमिलीज को इस मैटर से दूर रखे। ओ हेलो, मैं यहाँ तुम्हारे ऑर्डर नहीं सुनने लगा। मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगा, समझी तुम? ठीक है, तो फिर आप वही करेगा जो आपका दिल चाहे, लेकिन अभी आप उठें और मेरे साथ चलें। और अगर ना जाऊं तो क्या करोगे? चाहे मुसीबत। मास, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे सो रहे अभी तो? जी भाई, वो मुकद्दस अपने शौहर को नाश्ता सर्व करो। जी हालत तक खुश हो गया शौहर जैसा लग सुन के। मुझे भी कोई खास खुशी नहीं हुई। लगता है तुम दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। हाँ अल्लाह का शुक्र है, बोला मैं तो मुकद्दस की वजह से परेशान था। आरिज, आगे के क्या प्लान्स हैं, कुछ सोचा आपने? फिलहाल कुछ पता नहीं। चले कोई बात नहीं, मैंने दो तीन लोगों से बात की है आपकी जॉब के लिए, इंशाल्लाह जल्द कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब
मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। इसमें एहसान की क्या बात है बेटा, अब तो डबल रिश्ता है तुम्हारा इससे, फिक्र है इसको तुम्हारी, जभी तो बिन कहे तुम्हारी जॉब की बात की है। हाँ ठीक ही तो कह रही है फौजिया, ये आजकल बिना सोर्स के जॉब कहाँ मिलती है अच्छी। आरेज बेटा, अब तुम पे बीवी की जिम्मेदारी भी है, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। ख्याल से मैं नाश्ते के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो एक्सरसाइज सेशन है, बता तो देते मुझे। आरेज क्या कह रहे हो, तमीज से बात करो। अब तो मुझे तमीज ना सिखाने लग जाना। यू नो व्हाट, मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए और पहले तमीज सीख के आनी चाहिए, फिर ये नाश्ता करेंगे। मैं आया। इसके पल पल मिजाज को बदलते देखकर मुझे तश्वीश हो जाती है। कहाँ मुकद्दस, माशाल्लाह समझदार प्यारी बच्ची, कहाँ आरेज हुसीला बदलिहाज, क्या करूं। आगा जी, शादी से पहले सारे लड़के इसी तरह लाओबाली होते हैं, शादी के बाद ही कुछ सुधार आता है उनमें। भाई वाह 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 वाह, क्या बात कही है फौजिया, यानी खुद तो माँ बनके उसकी तरबियत की नहीं, और अब जो बीवी आ गई है उसके कंधों पे सारी तरबियत का बोझ डाल के खुद बनी जिम्मा हो जाओ। लेकिन तुम क्यों आगा जी से क्यों बहस कर रही हो? मेरे बेटे को इस तरह बिला वजह की सुनाई जाएगी तो मैं चुप रहूंगी। मामा इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी न फौजिया का मिजाज बदला है और न आरेश को समझ आई। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ अपने। तुम्हारा घर अब ये है, तुम कहीं नहीं जा रही। बाहर आगा जी और माज भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं, हारून मामू से भी इजाजत ले लिया मैं। लेकिन मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मेरे ख्याल से इस घर के बड़े हारून मामू हैं, आप नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा शौहर मैं हूँ। मेरी नजर में आप एक जिद्दी घमंडी और खुदसर आदमी से बढ़कर कुछ नहीं है, लिहाजा ये जबरदस्ती का घोर जमाने की ना मुझ पे कोई कोशिश मत करिएगा। वरना क्या करोगी तुम? वरना मैं बाहर जाकर शोर मचाऊंगी और सबको बताऊंगी कि आप मुझे मार रहे हैं। झूठ बोलोगी तुम? हाँ, जैसे को तैसा वाली मसाल तो सुनी होगी ना आपने। सुनी है, लेकिन किसी को इतनी जल्दी बदलते नहीं देखा मैंने। पतली नहीं, बदल दी गई हूँ, और इस बदलाव के पीछे वजह आप है। चाहे तुम जितना मर्जी बदल जाओ लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अच्छा, ये तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। मम्मी दवाइयाँ ले आया हूँ आपके। आविस, कब तक इस तरह नाराज रहोगे बेटे? जब आप अपनी जिद छोड़ देंगे। देखो मैं जो भी कर रही हूँ हमारी इज्जत और भलाई की खातिर कर रही हूँ। अब आप इज्जत के लिए करेंगे या भलाई के लिए, ये बात आप जानती हैं। लेकिन
आपको अंदाजा है ना कि मैं हर्ट हुआ हूँ आपकी सर्कल की वजह से, और उन लोगों की जितनी बेइज्जती हुई है आपका एहसास है इसका? कहाँ जा रहे हो? मुकद्दस से माफी मांगना। हरगिज नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। अम्मी अब आप मुझे रोक नहीं सकती, पर ना अब मैं रुकूंगा। आबिस वहां पे भी जो सारे पौधे हैं उनको भी पानी दें, सब जल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज मेरी बात सुन के चली जाएगी। अब सुनने को क्या पूछा है? मेरी अम्मी उस दिन हॉस्पिटलाइज थी। अगर ऐसी कोई बात थी तो बतानी चाहिए थी ना। ऐसे मौकों पर फोन ना उठाने का क्या मतलब होता है? अंदाजा है आपको? जरा सा भी एहसास है कि आपके ना आने से मेरे घर वालों को कितनी परेशानी हुई होगी? देखें, जो भी हुआ उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी शर्मिंदगी मेरा जो नुकसान हुआ है उसका अजाला नहीं कर सकती। क्यों आए हैं आप यहाँ? मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। I'm sorry। हर गलती पे सॉरी बोलने से माफी नहीं मिल जाती। तुम क्या कर रहे हो? आपसे मतलब? बीवी है ये मेरी। तुम्हें क्या लगा शादी के दिन ऐन मौके पे तुम भाग जाओगे और खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं आगे नहीं आऊंगा? आप इसे एक बात कान खोल कर सुन लो, मुकद्दस अब मेरी बीवी है और तुम्हारा चैप्टर क्लोज हो चुका है, इसलिए उसकी जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश मत करना। और वो रहा बाहर का रास्ता, उस रास्ते से दोबारा अंदर आने की कोशिश मत करना, वरना बताए फिर जिम्मेदार तुम खुद होगी। देखो मुकद्दस, अगर तुम्हें आर्य से कभी भी कोई शिकायत हो तो तुम मुझे जरूर बता सकती हो, ठीक है? वाह, तुम दुनिया की वाहिद बहन हो जो अपने भाई की बीवी को उसके खिलाफ भड़का रही है। मुझे मुकद्दस से वाकई में हमदर्दी है आर्य। तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, उसे अपनी मर्जी से शादी की है, जबरदस्ती नहीं। मर्जी से? मजबूरी में की है शादी तुमसे, क्योंकि कोई भी अकलमंद लड़की हंसी खुशी तुमसे शादी कर नहीं सकती। अच्छा, आई थिंक ये बात तुम्हें मायरा से पूछनी चाहिए, क्योंकि वो तो मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही है। तुमने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने अकलमंद लड़की कहा था, और मेरी नजर में
माहिरा से ज्यादा बेवकूफ लड़की इस दुनिया में कोई नहीं। लेसर, मैं तुमसे यहाँ बहस करने नहीं आया। मॉम ने कहा था इसे ले आओ, इसलिए आ गया। और तुम्हें चलना है तो चलो। तुम जाओ, मैं मामा से बात कर लूंगी। तुम 5 मिनट है तुम्हारे पास, बाहर तुम्हारा वेट करूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। आना है तो आओ। देखो मुकद्दस, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मामा से बात करती हूँ, तुम कुछ दिन यहाँ रुक सकती हो। नहीं, कुछ दिन रुकने के बाद भी जाना तो पड़ेगा ही ना, तो आज ही सही। मैं जानती हूँ तुम इस शादी से खुश नहीं हो। आप प्लीज भाई को नहीं बताइएगा, वरना वो परेशान हो जाएंगे। ख्याल रखिएगा। खाना खा लो बेटे। भूख नहीं है। तुम तो बेटा पूरी दुनिया से ऐसे बेजार हो गए हो जैसे वही लड़की तुम्हारी सारी दुनिया थी। थी तो वो मेरी दुनिया ही, जब किसी और की हो गई है। क्या मतलब? उसकी शादी हो गई है? हैरत है, बड़ी जल्दी पर ढूंढ लिया आगा जी ने उसके लिए। वैसे वो है कौन जिसका नसीब फूट गया उसके साथ? आरिस। क्या कहा, क्या नाम लिया तुमने? आरिस। अच्छा, वो तो मुझे शादी ना करने की पट्टियां पढ़ाता रहा और खुद ने कहा पढ़वा लिया उसने। पट्टियां पढ़ा रहा क्या मतलब? उसने कोई बात की थी क्या आपको? हाँ, 2 बार आया था वो मेरे पास और काफी इसरार भी कर रहा था कि मैं ये शादी रोक दूं, बारात लेकर ना जाऊं। वो तो ये तक कह रहा था कि मुकद्दस किसी और से शादी करना चाहती है और आगा जी के एहसानों से मजबूर होकर वो तुम्हारे साथ शादी कर रही है, इसलिए पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर दे कि बारात खाली लौट आए। आपने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भाई, उसी ने मना किया था मुझे, और मुझे लगा कि तुम्हारी आंखों पर तो वैसे भी मुकद्दस के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। मैंने तुम्हें कुछ बता भी दिया तो तुम कौन सा मान लोगे मेरी बात? ये आपने क्या किया? मुकद्दस आरिस जैसे इंसान को डिजर्व नहीं करती है। तुम्हें क्या पता, हो सकता है वो मुकद्दस और आरिस की मिली भगत हो। लेकिन जितना मैं मुकद्दस को जानता हूँ ना, मुकद्दस आरिस जैसे शख्स के लिए अपनों को धोखा नहीं दे सकती। तुम ही यकीन करो उस पर, मुझे तो दोनों पर ही शक है। शादी? क्या यार माँ, कोई चीज पीनट बटर ही मंगवा देती डैड से। तुम्हारे डैड के पास क्या पैसों के पेड़ लगे हुए जो वो पैसे तोड़ेंगे और तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे? माँ, खाना पीना ख्वाहिश नहीं, जरूरत है। बेटा, हालात इतने खराब हैं कि जरूरतों को भी पूरा करने के लिए सोचना पड़ता है। तुम्हारे डैड को वैसे भी जॉब नहीं मिल रही है, तो तुम ही कुछ कर लो, शायद हमारे हालात सही हो जाएं। अगर उनको जॉब नहीं मिल रही तो आप अपनी बाकी की ज्वेलरी सेल आउट करके उनको पैसे दे दें, कोई वो कारोबार ही शुरू कर लें यार। अब और कितनी ज्वेलरी रह गई है मेरे पास? माँ, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। कोई जनरल स्टोर खोल लेंगे, कम से कम खाने पीने का तो सामान होगा घर पे। तुम तो ना हमेशा बस अपने बारे में ही सोचना। अपना नहीं, हमारा सोच रही हूँ। ठीक है, मैं दे दूंगी उनको कुछ पैसे, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुमको भी जॉब करनी पड़ेगी।
इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप बिना मुझे जॉब करवा कर ही छोड़ेंगी? जाहिर सी बात है बेटा, आखिर कब तक तुम आरे इसके पीछे सोग मनाए कमरे में बंद रहोगी? वैसे सही कह रही हैं आप, मैं भी फेड अप हो गई हूँ इस रूटीन से। शायद कुछ चेंज आ जाएगा। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं कुछ चाहिए तो नहीं, आप अकेले किचन में लगी रहती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आप छोड़े ना, मैं ये कर देती हूँ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। क्या करना चाहिए मुझे? आरएस को राजी करो कि जहां माज ने उसकी जॉब का इंतजाम किया है वहां वो ज्वाइन कर ले। मामी मैं उनको कैसे राजी कर सकती हूँ? बीवी हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम शौहर को किसी ढंग की जॉब पे लगवाओ। जी मगर बीवी से ज्यादा जिम्मेदारी तो माँ की होती है ना, आप उन्हें समझाएं, क्या पता आपकी बात मान भी जाएं। यकीन नहीं आता कि तुम वही गवार लड़की हो जिसको बोलना भी नहीं आता। गवार तो मैं उस वक्त भी नहीं थी, ये अलग बात है कि आपको लगती थी।